अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट मलिक सज्जाद। तो नाज़रीन, हमने आज कंपनियां दो बनाई हैं कि चार पार्टनर और एक पार्टनर है। तो हमारे यहाँ मुश्ताक भाई, आप मुश्ताक भाई को जानते होंगे, काफ़ी हमारी वीडियोस में नज़र आते हैं। तो इन्होंने यहाँ पर ड्राई क्लीनिंग की दुकान बनाई है, बहुत बड़ी एशिया वाली साइड पर। तो हमने इसकी ताज के नाम से कंपनी बनाई है। ताज तुर्की में ताज बनता है, तो ताज कुर्ते बिजले में जब हमने कंपनी बनाई है। थोड़ा सा काम डिफरेंट किया कि उन्होंने बल्दे की रुख्सत लेनी थी, तो उन्होंने अपने दोस्त हैं जो उर्दू जानते हैं, पाकिस्तान में रहे, यूसुफ नाम उनका, तो उनको हमने इन्होंने मैनेजर रखना है, जिसको कहते हैं होली सोल इंचार्ज, और जिसकी वजह से रुख्सत लेने में आसानी होगी और सारे काम इनके अच्छे तरीके से हो जाएंगे। हाँ, अगर ये ना भी उनको करते तो फिर भी हो जानी थी, थोड़ा मुश्किल होता है। मैंने मशवरा दिया था, फिर इनका काम, मेरे साथ मेरा दोस्त है तो वो उर्दू भी जानता है, मेरे लिए भी आसानी रहेगी और इनके लिए आसानी रहेगी। तो इंडिया से मुश्ताक भाई, इंडिया कौन से जगह से मुश्ताक भाई? इंडिया गुजरात बड़ौदा से। गुजरात बड़ौदा से। तो इन्होंने जनाब कंपनी कंप्लीट हो चुकी है, सारे डॉक्यूमेंट सुबह आए थे। सुबह कितने बजे आए थे जी? मैं सुबह तकरीबन 11 बजे आया था। हाँ, 11 बजे आए, तो अभी शाम तो सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर दिए हैं और कंपनी का पूरे डॉक्यूमेंट्स के हवाले कर रहे हैं इंशाल्लाह। अभी नेक्स्ट वारको सर आपको जी शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी नेक्स्ट का प्रोसेस शुरू करेंगे जनाब रुख्सत का, तो इंशाल्लाह ताला वो अगले हफ्ते शुरू करेंगे और कंप्लीट करेंगे, फिर आपको बताएंगे कि डिफरेंट बिजनेस के रेस्टोरेंट बनाते हैं, ज़्यादातर पाकिस्तानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, काफ़ी सारे धंधे करते हैं, लेकिन उन्होंने ड्राई क्लीनिंग का काम बनाया, क्योंकि इंडिया से कब से ड्राई क्लीनिंग का काम करें इंडिया में? जी इंडिया में मेरा बहुत पुराना ये बिजनेस है और हमारी पैदाइश ही ये बिजनेस है। अच्छा, जल्दी पूछते का जबरदस्त होगा। तो इसमें जो क्या कम से कम को आपने काम का पता होगा, लैंग्वेज नहीं आती लेकिन काम का, तो काम कैसे करना है और जो है वो कितने में कुछ काम हो सकता है, सारी मशीनरी वगैरह लगा रही है। तो कस्टमर भी हम तो के आ रहे हैं शिवली साइड पे, तो अल्लाह ताला के काम बरकत दे। तो अपनी दुआ में रखे जनाब, अल्लाह हाफिज़।